लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आला हजरत की बारगाह में भी एक साहब नात लिख करके लाए, कहा हजरत इसको सुनाऊं? सुनाओ इसे। मैं सुनाओ, इसलिए कि आला हजरत कहते हैं मैं दो ही लोगों की नाते कसदन सुनता हूं, बाकी नहीं, क्योंकि लोग कुछ भी गड़बड़ करते हैं। कहा ठीक है, आयो तो सुना दो, चलो पढ़ दो अपना कलाम, पढ़ दो। वो पढ़ने लगा, इतना दर्द था कलाम में, इतना दर्द, इतना दर्द। आला हजरत तड़पने लगे, गोया वो ये कह रहा था कि हुजूर मैं आपके बगैर ऐसे तड़प रहा हूं जैसे बगैर पानी के मछली तड़पती है, बगैर पानी के मछली तड़प। रोते रहे आला हजरत, बड़े आशिक रसूल थे, बड़े सच्चे आशिक रसूल थे। भाइयों ऐसे आशिक थे जिस चीज से हुजूर को निस्बत हो गई उससे प्यार करते। एक मरतबा आला हजरत ने नौकरी पर एक छोटे से बच्चे को रखा। ए बच्चे, हमारे घर की औरतें बाजार नहीं जा सकती, तुमने जाना है। वो बच्चा लग गया नौकरी पर, नौकरी पर लगा। कुछ दिन ऐसे गुजरे, पता चला कि वो बच्चा सैयदजादा है। आला हजरत ने फरमाया घर वालों को, खबरदार, आकाओं से नौकरी नहीं कराई जाती, आकाओं की नौकरी की जाती है। यार हमने फजीलत सादात पर तो बहुतों की तकरीर सुनी, लेकिन अदब करते जिन लोगों को देखा है उनमें मेरा इमाम सफे अव्वल में है। इसीलिए किसी सैयद साहब ने कहा था कि हम सोचते थे कि अल्लाह ने आला हजरत को इतनी खसूसियत दी, लेकिन पठान क्यों बनाया, सैयद क्यों नहीं बनाया? चाहता तो सैयद बना देता पठान की। इसलिए कि सैयद होकर सैयदों की बढ़ाई करते तो लोग कहते मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। मेरे अल्लाह को यह मंजूर था कि मैं अहमद रजा को पठान बना करके पैदा करूंगा, और ये सैयदों की ताजीम लोगों को बताएगा तो पता चलेगा कि किस तरह एहतराम किया जाता है। फरमाया आकाओं से काम नहीं लिया जाता, जितनी तनख्वाह इनकी तय की गई थी। अब ये नहीं कि काम नहीं लेना तो ठीक है जेस साहब, अब आप जाए, नौकरी से हटा दिया, नहीं, क्योंकि नौकरी से हटाओगे तो बेचारे का नुकसान हो। मैं लफ्ज बेचारे से भी तौबा करता हूं। इसीलिए किसी नबी के शहजादे के लिए, अरे जो सारे चाराओं का, सारे बेचारों का जो चारा है उसकी आल को बेचारा कब कह सकते। अभी वही बात तो अदब की चल रही है। तो ये नहीं कहा कि हटा दो इन्हें, फरमाया घर वालों काम नहीं लेना, और जितनी तनख्वाह तय हुई थी वो बतौर नजराना पेश करना। ये हटाए भी नहीं जाएंगे, बतौर नजराना पेश किए जाएंगे। एक मरतबा आला हजरत के यहां ये कानून था, सूफी साहब आप बड़े शैदाई हैं सादात के, और उसी में आप बदनाम भी होते हैं। आला हजरत भी ऐसे ही कुछ बदनाम होते थे, लेकिन जो उनकी आल के लिए बदनाम होते हैं ना, फिर वो बड़े नामवर होते हैं। इसलिए कि आला हजरत ने खुद अल मलफूज में फरमाया, मुझे बात याद आती उनके इश्क की, बहुत खास बात तस्करा। आजकल जो है ना, एक खेल तमाशा बन गया इस इश्क रसूल, बात इश्क की जाती है, लेकिन अल्लाह अकबर, बस यहां तक फरमाया आला हजरत ने, सादात गलती भी करे ना तो उनकी गलतियों का जिक्र नहीं किया करें। शरीफ मक्का जो सादात में से थे, बहुत सख्ती के साथ टैक्स वसूल करते थे, सैयदों में थे, टैक्स वसूल करते। उस सख्ती में उन्होंने इतनी सख्ती की कि कभी कभी पर्दादार औरतों से बुरके उतरवा कर भी उनको चेक करवाते थे। एक बहुत बड़े आलिम साहब हज के लिए गए, उनकी घर की औरतों को जब बुरके उतार करके चेक करवाया तो वे एकदम गुस्से में लाल पीले हो गए, और इतनी बददुआएं दी शरीफ मक्का को, सैयद साहब को, कि इसका तो ये हो जाए, उसका तो वो हो जाए, और ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। वो हज पर थे, लोग लर्जे कि यार ये बड़े अलामा साहब इतनी बददुआएं दे रहे हैं शरीफ मक्का को, और उसने जुल्म भी तो किया है। लेकिन उसी रात जब वो सोए तो आला हजरत फरमाते हैं, ख्वाब में हुजूर अलैहि सलाम तशरीफ लाए और फरमाया कि मौलवी साहब, बददुआ देने के लिए आपको मेरी ही औलाद मिली थी, मेरी आल मिली थी आपको बददुआ देने। अगर उससे जुल्म हो गया, गलती हो गई, इंसान ही तो है, लेकिन तुम बददुआ दे हो। आला हजरत फरमाते हैं ये हाल है उनका जिनके पास रसूल की निस्बतें मौजूद है। इसलिए इमाम अहमद रजा के यहां जब महफिले सजती ना तो सादात को शीरनी डबल दी जाती, और जितने लोग आते नजराना भी दुगना दिया जाता। एक दिन सैयद महमूद साहब वो महफिल मिलाद में मौजूद थे, उनको किसी ने गलती से एकहरा जो वो नजराना दे दिया। जब एकहरा नजराना मिला, वो शीरनी का एक ही थाल मिला,
तो आए कहा हजरत वो कोई कानून तब्दील हो गया क्या आपके यहाँ? अल्लाह ने कहा क्या हुआ? कहा सैयदों को तो डबल मिलता है, आज एक ही मिला। जलाल में अगर शीरनी आज बाटी किसने? कोई नया आदमी नहीं, बुलाओ उसको, बुलाओ बुलाओ जल्दी बुलाओ। वो आए कहा क्या किया तुमने, शीरनी कम थी? नहीं। कहीं एक क्यों दिया? सादात को तो डबल दिया जाता है ना अपने यहाँ। खबरदार आज के बाद ये गलती करोगे तो बांटने से महरूम कर दिए जाओगे। जाओ जितने हो सकते हैं सब भरो, अल्लाह करके दो, और तुम्हारी सजा ये है, एक दिया ना अब इनके घर तक जाके थाल पहुंचा के भी आओ। ये इमाम अहमद रजा का इश्क, ऐसे आशिक थे इस शान से इश्क रसूल का आलम था। एक मरतबा नाराज होकर के खाना पीना बंद कर दिया, 18 दिन से ज्यादा खाना पीना बंद। ये आए मनाए नहीं, ये आए मनाए नहीं, ये आए मनाए नहीं। लोगों ने कहा ये किसी से मानते नहीं, और 18 दिन हो गए भूखे प्यासे रहते रहते, हालत खराब। लोग कहते हैं हजरत बड़ी तकलीफ होगी। कहा कि मेरा काम फतवा लिखना है, मस्जिद रजा में नमाज पढ़ाना है, किसी काम में कोई कोताही हुई? जब कोताही नहीं हुई तो मुझे मजबूर नहीं करना। लोगों ने कहा ये ऐसे नहीं मानेंगे। बरेली शरीफ के एक सैयद साहब को बुलाकर कहा आप आइए। सैयद साहब आए, आला कहते हैं हजरत मैं अपने घर से दूध लाया हूँ आपको पिलाने के लिए, आप पियेंगे? नजरें झुक गई। दूसरों का तो इनकार हो सकता है, आकाओं का इनकार नहीं हो सकता। तो मैं इनकार करूंगा तो मेरे रसूल मुझसे, मेरा महबूब नाराज हो जाए। आपने अपनी पूरी जिंदगी में किसी सैयद का कभी नाम लेकर नहीं पुकारा। एक नए नए मौलवी अब्दुल मजीद साहब पढ़ने के लिए आए थे, तालीम हासिल के लिए आए थे, तो जनाब सैयद अय्यूब अली साहब का बयान है कि एक साहब को जो सैयद थे नाम ले लेकर के पुकारा था। वजू खाने पर जब आपने सुना तो कहा कि बुला उसको, ये कौन पुकार रहा है? कहा कि तुम्हें मालूम है अकाओं का नाम लेकर नहीं पुकारा जाता, क्या तुमने कभी मुझे देखा कि मैंने किसी सादात का नाम लेकर पुकारा? कभी मैंने उनका नाम लेकर पुकारा कभी तुमने देखा? ये इमाम अहले सुन्नत की मोहब्बत अहले बैत थी। रे रावजी क्या अहले बैत की ताजीम करेंगे, जब 14वीं सदी के सादात की मेरे इमाम ने ये ताजीम की है तो मौला हुसैन और मौला अली की ताजीम का आलम क्या होगा, किस तरह वो एहतराम करते होंगे। बल्कि एक मरतबा यूं हुआ, बात याद आती है, एक मरतबा यूं हुआ कि आपके मोहल्ले में एक सैयद साहब रहते थे, शराब पीते सादात थे, शराब पीते। आला हजरत ने मिलादुल नबी का जलसा, आप मिलादुल नबी का जलसा रखते थे, उसमें 3-3, 4-4 घंटे बयान करते थे, लेकिन 2 जानों बैठ के बयान करते थे। आपने कभी रसूलुल्लाह का जिक्र किया पलटी मार कर नहीं किया, या हमारी तरह कुर्सी पे बैठ कर नहीं किया। लोग इमाम अहमद रजा को समझते क्या, वो तो मौलवी साहब थे। हम कहते तुम उनकी मौलवियत देखते हो, वो अपने वक्त का मौलाए रोम था, वो अपने वक्त का सरमत था, वो अपने वक्त का मंसूर था। मुझे हैरत है जिसने 1200 से जायद इश्क रसूल पे किताबें लिखी हो, जिसने हमारे इश्क रसूल की हिफाजत की हो, उस मौला उन्हें वो मौलवी साहब था। अरे वो मौलवी होते तो आला हजरत अशरफी मियाँ जैसा उनके लिए चलती हुई ट्रेन में खड़ा नहीं होता ताजीम के लिए। वो सिर्फ मौलवी होते, मौलवी क्या अशरफ, क्या मौलवी जो है हुजूर अशरफी मियाँ के जमाने में कम थे? अशरफी मियाँ कोई मामूली आदमी है? आला हजरत अशरफी मियाँ कोई मामूली आदमी है? एक पीर साहब से मुलाकात हुई, पीरों पीरों में कंपटीशन चलता है ना, हुजूर अशरफी मियाँ को कहा पीर साहब पूरी दुनिया में आपके मुरीद कोई रजिस्टर भी बनाया है? आपने मुस्कुराए का अच्छा आपने बनाया है? कहा इस रजिस्टर इसलिए बनते हैं कि हमारे इतने हैं होता है, होना भी चाहिए, होना चाहिए, अच्छी बात है, ऑन द रिकॉर्ड होनी चाहिए चीजें, है ना। लेकिन मेरे आका हुजूर अशरफी मियाँ से किसी ने पूछा हजरत अफ्रीका में कहाँ कहाँ आपके मुरीद है? मक्का शरीफ में हुजूर अशरफी मियाँ के मुरीदीन अरब अजम में थे, बगदाद शरीफ तक उनके मुरीदीन थे उनके जमाने में। कहा आपने रजिस्टर बनाया? कहा आपने बनाया? कहा हाँ हमने तो बनाया। कहा हमने कोई नहीं बनाया, लेकिन ये बताए जितने रजिस्टर पर आपने अपने मुरीदों के नाम लिखे हैं सारे नाम तुमको जबानी याद है? उसने कहा नहीं। हुजूर अशरफी मियां ने जुब्बा पहने हुए थे, फरमाया ये देख। जब जुब्बे का दामन खोलकर हुजूर अशरफी मियां ने बताया तो दाएं भी सरी सर नजर आते थे, बाएं भी सरी सर नजर आते थे। कहा तुम मुरीदों के नाम रजिस्टर में रखकर याद नहीं कर सकते, हम तो जुब्बे में साथ साथ लेकर के चला। ये हुजूर अशरफी मियाँ की शान, वो अशरफी मियाँ उनको कुतुबुल इरशाद कहता है।
ہم نے انہیں مولویوں کے کہنے پہ نہیں مانا ہے، ان آقاؤں کے کہنے پہ مانا ہے، ان آقاؤں کے کہنے پر انہیں قطب الارشاد مانا ہے۔ یہ شان ہے ہمارے بزرگوں کی، وہ امام احمد رضا عشق و محبت کا امام، جس کے لیے حضور اشرفی میاں جیسا تعظیم کے لیے اٹھ کر کے کھڑا ہوتا، جسے قطب الارشاد کہتا ہو۔ ارے اپنے بیٹے کو، حقیقی بیٹے کو، اور اپنے نواسے کو علم حاصل کرنے کے لیے اعلی حضرت کی بارگاہ میں بھیجتا ہو، وہ اعلی حضرت حضور سلطان الوائزین سید احمد اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ، اعلی حضرت کے شاگرد بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، حضور محدث عظمین اعلی حضرت کے شاگرد بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں۔ ایک مرتبہ محدث عظمین فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا حضور ہم لوگ اتنی محنت کر کے کتابوں میں محنت کر کے آتے ہیں، لیکن آپ کو تو ہم پڑھتے بھی نہیں دیکھتے، اور آپ بوجھ بغیر دیکھے بتا دیتے۔ تو محدث عظمین کو اعلی حضرت جواب دیتے ہیں، شہزادے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ سب حضور غوث العظم کی عطا ہے، ان کا کرم ہے۔ حضور محدث عظم کہتے ہیں، اس دن مجھے احساس ہوا تھا کہ یہ لوگ تو جو در والے ہیں بہت کچھ لوٹ کر لے گئے، میں گھر والا ہو کر جہاں کے تہاں، لیکن یہ ان کی عاجزی تھی، وہ بھی کوئی کم نہ تھی، عاجزی سے کہا۔ اور حضور محدث اعظم فرماتے ہیں، اعلی حضرت کے قلم کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا تھا، اور اعلی حضرت غوث العظم کے ہاتھ میں ایسے ہی تھے جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم ہوا کرتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ نعت خواں، اور یہ تھا کہ میں آپ کے بغیر ایسے تڑپتا ہوں جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے۔ میرے امام نے جب نعت پوری ہو گئی اور فرمایا، اے بندے، اے نعت لکھنے والے، جو تو لکھ کر لایا ہے اگر وہی تیرے دل کے جذبات ہے تو احمد رضا تیرے پیر چوبنے کے لیے تیار ہے، اور جو تو لکھ کر لایا ہے اگر وہ تیرے دل کے جذبات نہیں ہے تو تو اللہ سے ڈر، کتنی بڑی بارگاہ میں تو جھوٹ بول رہا ہے، کتنی بڑی بارگاہ میں تو جھوٹ بول رہا ہے۔ جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے تیرے دل کے جذبات چھپیں گے۔ سنیوں، بس یہی پیغام تم نے دینا، تمہیں دینا تھا۔ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو، نرم نرم گدوں پر فجر کی نمازیں چھوڑتے ہو، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو، داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہو، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو، ناپ تول میں کمی کرتے ہو، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو، رات کے تین تین بجے تک فلمیں اور سیریلیں دیکھتے ہو، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو، اور معاذ اللہ اپنی بیویوں کو بلا عذر شرعی طلاق دیتے ہو۔ تین تین مہینے کی دلہنیں، پندرہ پندرہ دن کی دلہنیں، مالیگاؤں میں طلاقیں واقع ہو رہی ہیں، شرم کرو۔ یہ شہر گنبد و مینار کا شہر کہلاتا ہے، سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ طلاق، بغیر پوچھے میکے جانے پہ طلاق۔ سوچو، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو، کیا ان ساری چیزوں سے حضور کا دل نہیں دکھتا؟